नफरत की लाठी तोड़ो। आदर्श नगर पंचायत महाराजगंज जिला रायबरेली की ओर से आपको स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में विगत 9 माह से चल रहे धर्म परिवर्तन के मामले में आज जैसे ही आधा दर्जन लोग धर्म परिवर्तन कराने आए, उसकी जानकारी जैसे ही क्षेत्र में लोगों को हुई, वैसे ही हिंदू संगठन के अनेक पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और घटना की सूचना हरचंदपुर पुलिस को दे दी। सूचना पर मौके पर पहुंची हरचंदपुर कोतवाली पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो वहीं मामले में क्षेत्राधिकारी विनीत सिंह का कहना है कि मामला प्रकाश में आया है, जैसे ही तहरीर मिलेगी मुकदमा पंजीकृत कर इसमें संलिप्त लोगों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हरचंदपुर थाना क्षेत्र के खेतई मजरे वाला गांव में विगत 9 माह से धर्म परिवर्तन का मामला सुर्खियों में चल रहा था। तभी आज सुबह लगभग 11 बजे खेतई मजरे वाला गांव में आधा दर्जन लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने हेतु लोगों को बहला फुसलाकर तथा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक करनी सेना के पदाधिकारी व हिंदू संगठन के अनेक लोगों ने मौके पर पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे ही घटना की सूचना हरचंदपुर पुलिस को हुई, वैसे ही हरचंदपुर पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन भारी मात्रा में पुलिस बल गांव पहुंच गया। मौके पर पहुंचकर हरचंदपुर एसओ ने लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आइए देखते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता रजनीकांत अवस्थी की यह रिपोर्ट। दीजिए दिनेश बहादुर सिंह लोधी, एडवोकेट है। क्या मामला है, क्यों यहाँ आप लोग आए? हम लोग को ये सूचना मिली कि यहाँ इस गांव में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है जी। उस संबंध में हम लोग यहाँ जांच करने आए हैं, तो कुछ लोग यहाँ मिले हैं, कुछ लोग तो यहाँ से भाग गए जी, जिनकी गाड़ियाँ ये खड़ी हैं जी जी। किस धर्म में परिवर्तन करवा रहे थे? ईसाई धर्म के लोग हैं ये, ईसाई धर्म में लोग परिवर्तन करा रहे हैं। अच्छा, किस धर्म के लोग हैं ये? ये हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म के हैं जी जी। ये इस जगह यहाँ सभा हो रही थी जी, वो है। थैंक यू सर। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हो रहा था यहाँ? नहीं, किस लिए? धर्म पर। अच्छा, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे वो लोग? नहीं, क्या कह रहे थे कि ये धर्म परिवर्तन कर लोगे तो क्या होगा? मतलब भलाई के लिए। अच्छा, क्या भलाई? अरे मतलब जैसे भूत फरियाद खेलते रहे ना, तो मैं योगेश सिंह से ना, लखनऊ मंडल अध्यक्ष। क्या हुआ, किस लिए आप लोग यहाँ आए? यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जैसे हम लोग पता लगा यहाँ की एक बहुत बड़ी सभा थी जी जी, उसमें कुछ जेंट्स 3-4 और 3-4 लड़कियाँ थी जी जी। वो लोगों को गुमराह कर रही थी धर्म परिवर्तन को लेके जी, जिसमें पैसे का लेन देन भी चल रहा था जी जी। और इन लोगों के पास बाइबल थी, ये बता रहे थे कि इस धर्म में आपको बीमारी अजारी कुछ होती है तो यीशु मसीह अपने आप ठीक कर देते हैं जी जी। और आप इस धर्म में आइए और इस धर्म में आपको पैसे ही मिलेंगे और आप हमारे धर्म के साथ। क्या नाम है आपका? पूनम। कहाँ आई हैं यहाँ, किस गांव में, क्या करने आई थी? सीधे बोलो, धर्म परिवर्तन क्या करने आई थी मैम? अगर बोली तो बोली, ऐसे कुछ करोगे तो मैं कुछ भी मेरे को कर डालूंगा। बोलना, सीधे एक लोग सहूलियत से बात कर रहे हैं।